Of course, KL is not available, so obviously there is a chance for other newcomer who can get the opportunity, and I'm sure they have done really well in domestic cricket, and it's their time to show what they got, and good for the Indian cricket, and for the individual as well. I think so, and he's doing his routine, and he did one session yesterday as well, and he's there as well, so I think he's available. I'm not sure about my position because abhi match mein bhi 2 din hai. So if I get the opportunity, I'll be more than happy, and I don't think too much about if I'm playing or not. I just enjoy my day and just keep working hard. That's my process, and combination is such thing. It matters a lot in a team game, and simple as that. नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है. मैं रैंक टर्नर में खेला नहीं हूँ. लास्ट सीरीज़ भी हुई थी तो मैं नहीं खेला था. तो आई डोंट नो कि क्या अप्रोच होगी या फिर क्या सोचते होंगे यार. बेसिकली ये टीम मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, और ऑब्वियसली आप सब भी अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हो, तो अच्छे क्रिकेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि अब ये मुझे नहीं पता ना. मुझे अगर मुझे खेलने का मौका मिल रहा है, चाहे रैंक टर्नर हो चाहे फ्लैट ट्रैक हो, मैं काफ़ी इन्जॉय करता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बैटिंग को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि बैटिंग भी इम्पॉर्टेंट है हमारे, उसके ना कि स्पिन बॉलिंग ही इम्पॉर्टेंट है. बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सब कुछ इम्पॉर्टेंट रहता है. फास्ट बॉलिंग भी गेम में आते हैं, और जैसा कि लास्ट गेम आपने देखा था, तो क्रिकेट के लिए अच्छा है. ऐसा नहीं है कि आपको रैंक टर्नर देखने को नहीं मिलेंगे आगे, होपफुली आगे मिलेंगे आपको. नहीं, आपको क्वेश्चन तो कोच से ही पूछना चाहिए कि कौन फिट बैठता है टीम में. वो मेरा काम नहीं है. एज ए प्लेयर आप हमेशा सोचते हो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आप अच्छा करें, और ऑब्वियसली ये मैटर करता है. अब ये रन्स तो डेफिनेटली मैटर करते हैं, चाहे वो टॉप ऑर्डर से आएँ चाहे वो लोअर ऑर्डर से आएँ. तो इम्पॉर्टेंट होता है कि टोटल आपने बोर्ड पर कितना लगाया है, वो बहुत मैटर करता है. अगर आपके टॉप ऑर्डर ने 200 मार दिए तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपके लोअर ऑर्डर की. तो इम्पॉर्टेंट रहता है कि एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगना बहुत इम्पॉर्टेंट है. कभी कभी होता है कि आपकी जल्दी विकेट गिर जाते हैं, फिर लोअर ऑर्डर बैटिंग करके आपको अच्छे स्कोर पर पहुँचाता है, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. और गेम ही ऐसा है, डिमांड ऐसी है गेम की कि आपको अच्छे पोजिशन में रखने की. चाहे आप बॉलिंग कर रहे हो चाहे बैटिंग कर रहे हो, तो आपको हर जगह आप सोचते हो कि आपकी टीम बेटर पोजिशन पर हो. आपने अभी आपको बोलना नहीं चाहिए कि बैटिंग विकेट है. आप मुझे ऐसा लगता नहीं कि बैटिंग विकेट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 800 रन बनेंगे 700 रन बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं कह सकते. बट हाँ, डेफिनेटली बैटिंग बेटर विकेट रहेगा. जैसे कि आप रैंक टर्नर पे खेलते हैं तो वैसा आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा रैंक टर्नर जैसा. काफ़ी लाइव विकेट रहेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा क्रिकेट के लिए. नहीं,
ऐसा नहीं है कि स्पिन को ही विकेट निकालने हैं, और आप ऐसा नहीं कह सकते कि स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं हमेशा गेम में। और अगर स्पिनर्स के लिए विकेट हेल्पफुल रहा तो डेफिनेटली स्पिनर्स गेम में आते हैं। और ऑब्वियसली जब आप कोई भी मैच खेलते हैं या फिर कोई भी बॉलर अगर खेल रहा है प्लेइंग 11 में, पांच बॉलर आप खेलते हैं, तो आप के पांचों सोचते हैं कि विकेट निकाल के दे टीम के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी का दिन अच्छा होता है तो वो चार विकेट पांच विकेट निकालता है, चाहे वो फास्ट बॉलर चाहे स्पिनर हो। तो राजकोट का विकेट आप जैसा आप बोल रहे हैं स्पिन के लिए सपोर्ट करता है, तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो और जितने भी स्पिनर खेलें और वो परफॉर्म करें टीम को जीत दिलाएं। रिकॉर्ड है तो फिर आप फिर अच्छा ही होगा फिर हमारे लिए, और क्या। थैंक यू, थैंक्स।